दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आखिरकार अतिया शेट्टी और के एल राहुल की शादी हो गई। दोस्तों बहुत दिनों से खबरें वायरल हो रही थी कि के एल राहुल अतिया शेट्टी की शादी कब होगी और कहां पर होगी। दोस्तों हम आपको बताएंगे आखिरकार सुनील शेट्टी की बेटी अतिया शेट्टी की शादी हो गई और कौन कौन इसके अंदर आया और किसने किसने सेलिब्रेशन किया। दोस्तों हम आपको सब कुछ दिखाएंगे और आप लोग उससे पहले आप हमें बताएं के एल राहुल और ऋषभ पंत सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आखिरकार आज शाम के एल राहुल और अतिया शेट्टी की शादी हो ही गई। दोस्तों इन दोनों के बीच बहुत दिनों से अफेयर चल रहा था। इन दोनों की वीडियो बहुत दिनों से वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा खबर वायरल हो रही थी कि सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा था अतिया शेट्टी और के एल राहुल की शादी होगी। दोस्तों आखिरकार वो हो ही गया। इनकी शादी में बहुत लोग आए। आखिरकार सुनील शेट्टी की लड़की अतिया शेट्टी की शादी में बहुत स्टार आए। सभी ने कुछ बहुत बताया। दोस्तों कुछ खिलाड़ी टीम इंडिया की तरफ से नहीं आ पाए क्योंकि टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे मैच खेलना है, इसलिए कुछ खिलाड़ी अभ्यास मैच में लगे हुए थे। दोस्तों इसे देख मात्र सुनील शेट्टी की बेटी अतिया शेट्टी की शादी में 100 लोग ही शामिल हुए, जिनमें एक नियम था कि जो भी लोग शादी के अंदर आएगा वो अपना फ़ोन बाहर जमा करके आएगा। दोस्तों किसी भी व्यक्ति को अंदर फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं थी। दोस्तों सुनील शेट्टी की लड़की में शादी में तो दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी को फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं। दोस्तों आपने पहली बार सुना होगा किसी की शादी में फ़ोन ले जाना अनिवार्य नहीं है। दोस्तों आजकल की ये बहुत बड़ी फेमस चल रही है कि फ़ोन तो अंदर जाने ही है, पर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों आखिरकार सुनील शेट्टी की बेटी अतिया शेट्टी की शादी हो गई। दोस्तों आज की समाचार इतना ही। प्लीज़ वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।